श्रीलंका में सोना खरीदने से भी ज्यादा मुश्किल काम दूध खरीदना हो गया है। एक पैकेट ब्रेड के लिए लगभग 150 श्रीलंकाई रुपए देने पड़ रहे हैं। रसोई गैस की भारी किल्लत के कारण श्रीलंका की कई बेकरियां बंद हो गई हैं। खाद्य संकट गहराने से नौकरी पेशा वर्ग भी दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है। श्रीलंका अपने सबसे खराब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। चीन समेत कई देशों के कर्ज तले दबा श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है। जनवरी में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% से घटकर 2.36 अरब डॉलर रह गया है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण श्रीलंका भोजन, दवा और ईंधन समेत सभी जरूरी सामानों को विदेशों से आयात नहीं कर पा रहा है। ऐसे में खाद्य पदार्थों की कीमतें बेहतासा बढ़ी हैं। श्रीलंका में खाद्य संकट गहरा गया है। यहाँ लोग दूध की तलाश में राजधानी कोलंबो की सड़कों पर देर रात तक भटकते रहे। कहीं भी उन्हें दूध का पैकेट नहीं मिला। अगर किसी दुकान पर दूध दिख जाए तो इतना महंगा है कि इसे खरीदना मुश्किल है। दूध की कीमतें पहले से ही 3 गुना महंगी हो गई हैं। श्रीलंका के खान पान में चिकन अहम हिस्सा है। बढ़ती कीमतों के कारण चिकन आम लोगों की प्लेट से गायब हो गया है। चिकन की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। अब लोगों के लिए ये एक लग्जरी आइटम बन चुका है। श्रीलंका में रसोई गैस की भारी किल्लत हो गई है। इससे 1000 बेकरियों को बंद करना पड़ा है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण गैस नहीं मिल पा रही है। कुछ शहरी क्षेत्रों में ब्रेड की कीमतें लगभग 150 श्रीलंकाई रुपए हो गई है। ब्रेड श्रीलंका के गरीब परिवारों और श्रमिकों के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रीलंका के लगभग हर गांव और कस्बे में एक बेकरी मिल जाती है। ब्रेड की कीमतें बढ़ने का असर गरीब लोगों की कमर तोड़ रहा है। श्रीलंका में ईंधन की कमी के कारण कई बिजली संयंत्रों को भी बंद करना पड़ा है। लोगों को जरूरत के घंटों में बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली दिन में 7 घंटे से अधिक वक्त तक गायब रहने लगी है। आर्थिक बदहाली का शिकार केवल गरीब तबका ही नहीं बल्कि अच्छी खासी कमाई करने वाला नौकरी पेशा वर्ग भी हो रहा है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। श्रीलंका में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम लोग सब्जी खरीद नहीं पा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच कच्चे तेल और गैस के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ा संकट दुनिया के सामने मुंह फैलाए खड़ा है। कोरोना महामारी से उभर रहे विश्व के सामने अब खाद्य सुरक्षा का भी संकट खड़ा हो गया है। दुनिया में गेहूं और जौ के आयात का लगभग 1/3 हिस्सा रूस और यूक्रेन से होता है। सूरजमुखी के तेल की सप्लाई करने वाला सबसे प्रमुख देश यूक्रेन ही है। युद्ध के बीच दुनिया में खाद्य पदार्थों की सप्लाई बाधित हो रही है, जिससे इनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा समिति के प्रमुख ग्रेबियल फरेरो ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में 16.1 करोड़ ज्यादा लोग भुखमरी से पीड़ित हो गए हैं। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो खाद्य सामग्री के लिए रूस और यूक्रेन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। बांग्लादेश कुल खपत का लगभग आधा गेहूँ रूस और यूक्रेन से आयात करता है। रिपोर्ट के अनुसार गेहूं की कीमतों में 55% की वृद्धि हुई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।